नमस्ते, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने इमिग्रेशन सिस्टम को दुरुस्त कर रहा है और स्किल्ड वर्कर्स के लिए स्मूथ एंट्री निश्चित कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया ने हाईली स्किल्ड वर्कर्स की एंट्री में तेजी लाने और परमानेंट रेजिडेंसी की ओर उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अपने इमिग्रेशन सिस्टम को सुधारने के अपने इरादे की घोषणा की है। प्रस्तुत किए गए बदलाव प्रोसेस को सुव्यवस्थित करने और स्किल्ड माइग्रेंट्स के सामने आने वाली मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की भविष्य की इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप स्पेसिफिक स्किल सेट्स वाले लोगों की बेहतर पहचान करना है। नेशनल प्रेस क्लब में एक भाषण के दौरान होम अफेयर्स मिनिस्टर क्लेयर ओनील ने फिलहाल के माइग्रेशन सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा कि यह न केवल बिजनेसेस और माइग्रेंट्स को बल्कि बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलियाई लोगों को भी विफल करता है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा और जर्मनी जैसे देशों से कंपटीशन का सामना कर रहा है और ज्यादा स्किल्ड माइग्रेंट्स को आकर्षित करने की मांग कर रहा है, विशेष रूप से बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती मांग के कारण। पेश किए गए बदलावों के तहत हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए वीजा प्रोसेस को सुव्यवस्थित किया जाएगा और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बनाए रखने के उपायों को लागू किया जाएगा। टेम्पररी स्किल्ड वीजा होल्डर्स, जिन्हें पहले परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था, इस साल के अंत तक ऐसा करने में सक्षम होंगे। हालांकि यह ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट माइग्रेंट्स के सालाना इनटेक की वृद्धि में योगदान नहीं देगा। कर्मचारियों की व्यापक कमी को दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए परमानेंट माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ाकर 1,95,000 कर दी है, जो 35,000 की वृद्धि है। एडिशनल रिसोर्सेज और कर्मियों को वीजा प्रोसेसिंग में तेजी लाने के एलोकेट किया जाएगा। 1 जुलाई से प्रभावी होने वाली सरकार ने टेम्पररी स्किल्ड वर्कर्स के लिए वेज थ्रेशहोल्ड को 53,900 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से बढ़ाकर 70,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर करने की योजना बनाई है, जो 2013 के बाद से अपरिवर्तित बनी हुई है। सरकार के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 90% फुल टाइम नौकरियां पहले से ही फिलहाल के वेज थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है, जिसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स का शोषण होता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू में पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन सिस्टम एक ऐसी सिचुएशन को कायम रखती है जहां 1.8 मिलियन गेस्ट वर्कर्स परमानेंट माइग्रेशन पर सख्त लिमिट के कारण परमानेंटली ही टेम्पररी स्थिति में रह गए हैं। जबकि अल्बनीज सरकार रिव्यू की रिकमेंडेशंस को किस हद तक अपनाएगी, यह अनिश्चित बना हुआ है। रिपोर्ट के एक प्रीलिमिनरी सेक्शन ने स्किल्स लिस्ट्स को छोड़ने, देखभाल करने वाले वर्कर्स में ज्यादा वर्कर्स को इजाजत देने और फैमिली वीजा के लिए लंबे समय तक इंतजार करने का सुझाव दिया। समीक्षा में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करने के लिए सरकार की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पुरानी हो चुकी है और उनकी प्रभावशीलता के सबूत की कमी है। इसके अलावा इसने इन लिस्ट्स की फिलहाल की और एंटिसिपेटेड स्किल्ड लेबर की जरूरतों को प्रतिबिंबित करने की जरूरत पर जोर दिया है, जिसमें नेट जीरो इकोनॉमी में ट्रांजिशन और महत्वपूर्ण और सॉवरन कैपेबिलिटीज का विकास शामिल है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।